लेटेंट हीट क्या होती है कि जब हम मटेरियल का जब स्टेट चेंज होता है, ठीक है, यस सर, सब्सटेंस का जब स्टेट चेंज होता है, मतलब वो लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से लिक्विड में जब चेंज होता है, तो उस टाइम पे जो हीट ट्रांसफर होती है, पर यूनिट हीट ट्रांसफर, पर यूनिट मास ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कि एल इज इक्वल टू, एल कहते हैं हम लेटेंट हीट को, सो एल इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एम, यस सर, ठीक है। तो एम की वैल्यू अगर वन है, इफ एम इज इक्वल टू वन यूनिट, तो एल किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही डेफिनेशन में लिखा है कि द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। यस सर, क्योंकि एकदम से तो चेंज होता नहीं स्टेट, कुछ हीट उसको मिलती है, उसके बाद ही उसका स्टेट चेंज होता है ना। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि एकदम पूरा जैसे मेल्ट हो जाता है, 100% मेल्ट हो जाता है, ऐसा भी नहीं होता। यस सर, और ऐसा भी नहीं होता कि 100% जो है बॉइल होके पूरा का पूरा उसका स्टेट ही चेंज हो जाता है, तो धीरे धीरे यस सर, होता है वो प्रोसेस। तो एक यूनिट मास का स्टेट चेंज होने में जो हीट की जरूरत पड़ती है, दैट हीट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ द सब्सटेंस, यस ओके। सर, अब यहाँ पे दो लेटेंट हीट, दो टाइप के लेटेंट हीट होती है, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजियन और एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, ठीक है। तो एक को कहते हैं हम एल एफ, तो इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजियन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजियन। इसका मतलब क्या होता है भाई, फ्यूजियन का मतलब क्या होता है? सर सॉलिड से लिक्विड बनना सर, सॉलिड लिक्विड स्टेट, यस सर, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड बनना, सर, सॉलिड लिक्विड स्टेट, तो उसको कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके। यस सर, एंड लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन, लिक्विड टू गैस, हाँ, तो वो होता है एल वी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो इसको कहेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। यस सो सर, ये स्टेट कैसी होती है आपकी, ये लिक्विड टू गैस, यस सर, तो ये स्टेट रहेगी आपकी लिक्विड टू गैस, ओके। सो लेटेंट यस सर, हीट आर ऑफ टू टाइप, जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, तो पर यूनिट मास अगर उसका चेंज होता है, पर यूनिट मास ऑफ स्टेट चेंज हो रहा है, तो उस हीट को जो हीट ट्रांसफर करते हैं हम, उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर हम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय बॉइलिंग, बॉइल करना पड़ेगा उसको, तो एक्स्ट्रा हीट की जरूरत पड़ेगी, तो पर यस यूनिट सर, मास को वेपर करने, वेपर बनाने के लिए, पर यूनिट मास को वेपर बनाने के लिए जो हीट की जरूरत पड़ेगी हमें, उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। सर, अब इसका जो है ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं, इसको कैसे होता है इसका मेजरमेंट। देखो यहाँ पे हम अगर इस एक्सिस पे हीट दिखाते हैं और इस एक्सिस पे टेम्परेचर दिखाते हैं, ठीक है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आइस रहता है ना। यस तो अगर मान लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ हीट दे रहे हैं हम उसको, तो हीट दे रहे हैं, सर, बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो टेम्परेचर 0 डिग्री पे पहुंच जाता है। पहले माइनस में टेम्परेचर था, तो वो यस सर, माइनस का टेम्परेचर पहुंच जाता है 0 डिग्री पे। अब ये क्या होगा, एकदम से उसका फेज चेंज नहीं होगा, ये कौन सा है, ये सॉलिड फेज है, एकदम से उसका फेज चेंज नहीं होगा, थोड़ी सी हमें हीट और देनी पड़ेगी, तो अभी ये जीरो यस सर, डिग्री ही रहेगा, है ना। तो ये जो प्रोसेस है, ये होता है फेज चेंज प्रोसेस। अब यस उसने सर, हीट ले लिया, अब क्या होगा, यहां से स्टेट चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और इसको सर, कहेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट, 0 डिग्री पे मेल्ट हो जाएगा, तो इसको कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, ओके। अब यहां से स्टेट इसका जैसे हीट देना शुरू करेंगे, तो स्टेट चेंज होना शुरू हो जाएगा,
और हीट दी, और हीट दी तो स्टेट चेंज हो गया, और टेम्परेचर बढ़ा। यस सर। तो टेम्परेचर को लेटस से हम ले जाते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉइल होना शुरू हो जाएगा। और ये स्टेट कौन सी रहेगी इसकी? लिक्विड स्टेट। लिक्विड, ये होगी इसकी लिक्विड स्टेट, ठीक है, लिक्विड फेज कह दो या लिक्विड स्टेट कह दो। अब यहाँ पे फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर फेज चेंज होना शुरू हो जाएगा, है ना, लेकिन वो एकदम से नहीं होगा, थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी आपको। ये मैंने यहाँ पे हीट देनी पड़ेगी थोड़ी सी। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे जब आप बहुत ज्यादा हीट दोगे इसको, तो फिर क्या होगा, फिर गैस फेज में पहुंच जाएगा। ये कौन सा फेज होगा? गैसियस फेज। ओके, यस सर। तो इस ये गैसियस फेज को हम कहते हैं स्टीम, स्टीम भी कहते हैं इसको। और लिक्विड स्टेट में हम सिंपल यहाँ वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाटर होगा। और सॉलिड स्टेट, सॉलिड फेज में ये रहेगा आइस, ये रहेगा आपका आइस, ठीक है। यस सर। तो बिल्कुल सिंपल कर्व है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में इसको। तो ये जो कर्व हम दिखा रहे हैं ये 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे है। ये प्रेशर इसका क्या है? 1 एटमोस्फेरिक, मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर पे है ये जो कर्व है, ठीक है। प्रेशर चेंज हो जाएगा तो चीजें भी बदल जाएंगी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सारे चेंज हो जाते हैं, प्रेशर चेंज हो जाता है, ठीक है। यस सर। ओके, अभी आप देख लो इसमें, यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करी है हमने कि अगर हम हीट इसकी बढ़ाए जा रहे तो टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां से लेके यहां तक इसका टेम्परेचर सेम रह रहा है, हीट हम बढ़ाए जा रहे हैं बट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, है ना? यस सर। तो यहाँ पे एक चीज आपको नोट करने वाली है कि व्हेन हीट इज एडेड और रिमूव्ड, व्हेन हीट इज एडेड और रिमूव्ड ड्यूरिंग ए चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट के टाइम पे उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, ड्यूरिंग ए चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है। ओके, अभी मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि स्टीम के अंदर ज्यादा एनर्जी होती है कंपेयर टू द बॉइलिंग वाटर। यस सर। तो वो एनर्जी कहाँ से आई? देखो ये वाली जो एनर्जी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी पॉइंट तक, उसको हम हीट दिए जा रहे लेकिन टेम्परेचर उसका बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बी पे टेम्परेचर उसका शूट हो जाता है एकदम। तो इस ये जो लिक्विड है, लिक्विड फेज का तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, बट गैस फेज का टेम्परेचर देखो कितना बढ़ गया है ना? यस सर। तो 100 से ऊपर जा रहा है गैस फेज का टेम्परेचर, तो उसमें क्या होगा, इसमें ज्यादा एनर्जी होगी ज्यादा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो लिक्विड में अगर बॉइल्ड वाटर के साथ किसी की स्किन पे डाल दो और वहीं दूसरी उसमें उसको जो है स्टीम में डाल दो, तो स्टीम का जो बर्निंग है वो ज्यादा पेनफुल होती है। यस सर। सो दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है आपको कि स्टीम इज हैविंग मोर एनर्जी देन द मोर हीट देन द बॉइलिंग वाटर, स्टीम हैविंग मोर एनर्जी मोर हीट कह सकते हो इसको, मोर हीट एंड टेम्परेचर देन द बॉइलिंग वाटर, ठीक है। तो इसीलिए बॉइलिंग वाटर की कंपेरिजन में जो ये ये स्टीम है, स्टीम में बर्निंग ज्यादा पेनफुल होती है। अभी हम देख लेते हैं इस पे बेस्ड एक एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 11.4, एग्जांपल नंबर 11.4 कह रहा है व्हेन 0.5 केजी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्स्ड विद 0.30 केजी ऑफ वाटर एट, देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो आइस है दूसरा वाटर है, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करनी है हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि जब आइस के साथ वाटर को मिलाएंगे तो वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है, आइस का टेम्परेचर कम है, तो आइस मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, तो उसका फेज चेंज होना शुरू हो जाएगा सॉलिड से लिक्विड में, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे देखो आइस का मास कितना दे रखा है, मास ऑफ आइस इज इक्वल टू दिया है 0.15 केजी, ठीक है। और आइस का टेम्परेचर दिया है उसने
temperature of ice is equal to 0 degree centigrade is mixed with, अब यहां पे mass of water, mass of water is equal to 0.30 kg, और water का जो temperature है, temperature of water is equal to 50 degree celsius, ठीक है. The resulting temperature is, resulting temperature कितना है, resulting temperature दिया है उसने 6.7 degree celsius. calculate the heat of fusion of ice. S दिया है उसने water का 4186 joule per kg per kelvin. S क्या होता है भाई, specific heat. specific heat sir, ठीक है. तो अब हम फाइंड कर सकते हैं, देखो जितना हीट यहाँ पे ट्रांसफर होगा, हीट का ट्रांसफर होगा क्योंकि वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो ज्यादा हीट ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होगी, है ना. तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हीट लॉस्ट बाय द वाटर कैसे निकालेंगे, हीट लॉस्ट बाय वाटर. तो वाटर का मास, मास ऑफ वाटर और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और टेम्परेचर डिफरेंस, है ना, डेल्टा. यस सर. तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, तो वाटर का मास है 0.30, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 4186, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, देखो 50 डिग्री में से 50 डिग्री था टेम्परेचर उसका, 6.7 डिग्री हो जाता है, इसको माइनस कर लो तो कितना आएगा, 43.3. तो ये आ गया वैल्यू. इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, आंसर आएगा इसका 54376.14 जूल. अब ये जो हीट पानी ने ट्रांसफर करी है ये आइस को मेल्ट करेगी, है ना. यस सर. तो अब आइस को मेल्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए, वो अभी अभी पढ़ा हमने. yes. भाई अभी अभी पढ़ा हमने L is equal to Q upon M, sir. तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, LM हो जाएगी. yes, sir. तो हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस निकाल सकते हैं हम, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस कितनी होगी, M into L. ओके, M की वैल्यू 0.15, और लेट अस से इसको हम LF कह दे रहे हैं, ठीक है. ये क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो होगा भाई, आइस को मेल्ट करने के लिए कितना आपको चाहिए, वो LF हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. यस सर. है ना. अब हम फाइंड करेंगे हीट required to raise a temperature, heat required to raise temperature of ice, water to final temperature, ice water का जो combination है, ठीक है, उस combination को final temperature देने के लिए कितना heat transfer हुआ है to final temperature, वो कैसे calculate करेंगे, mass of ms delta t से. यस सर. वैल्यू पुट कर दो, एम की वैल्यू कितनी है 0.15, आइस की मास कितना 0.15, एस तो सेम रहेगा 4186. yes. और टेम्परेचर डिफरेंस देखो, आइस का टेम्परेचर 0 था और फाइनल टेम्परेचर 6.7 हुआ, तो डिफरेंस कितना हुआ 6.7. yes. तो आंसर आ गया आपका 4206.93 जूल, ठीक है. अब यस सर, फंडा क्या कहता है कि हीट जितनी लॉस हुई होगी उतनी ही गेन हुई होगी, तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, यही कंसेप्ट है ना. यस सर. तो अब हीट लॉस्ट जो है वो कितनी है, वो हमने अभी फाइंड करी है 54376, तो इसका मतलब है 54376.14 जूल, इतनी हीट तो लॉस हुई है.
और गेन कितनी हुई है। देखो हीट गेन में क्या होगा, पहली चीज तो उसकी जो स्पेसिफिक हीट है उसके लिए ये वाला, और दूसरा उसकी स्टेट चेंज करने से पहले लेटेंट हीट की भी जरूरत पड़ती है, है ना? यस सर। तो एक ये वाली हीट की जरूरत पड़ेगी, ये जो हमने जो हीट दिया है इसको हीट लॉस्ट है, ये दो जगह डिवाइड हो जाएगी। पहली तो ये वाली हीट जो उसकी लेटेंट हीट में काम आएगी, दूसरा दूसरा जो है उसमें जो ये है हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ आइस वाटर टू फाइनल टेम्परेचर, दूसरी ये वाली हीट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 0.15 LF प्लस 4206.93। यहां से हम LF की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। LF yes, कितना आ गया, 3.34 × 10⁵ जूल पर केजी, ये आ गई तुम्हारी LF की वैल्यू। यस सर, यही हमें कैलकुलेट करनी थी। यस सर, समझ आया ना, इजी है, सिंपल है। यस सर, कॉन्सेप्ट क्या है कि जितनी हीट आपने लॉस्ट करी है उतनी हीट आपको गेन करना जरूरी है। यहाँ देखो, यस, यहाँ हमने क्या देखा है कि ये जो इसका जब फेस चेंज होता है मेल्टिंग पॉइंट पे इसका टेम्परेचर जीरो है, लेकिन हीट देने देते रहने के बाद भी इसका टेम्परेचर जीरो ही रहता है। Yes, sir. वो रहता है क्योंकि लेटेंट हीट में ये हीट कंज्यूम हो जाती है, तो लेटेंट हीट प्लस जो हीट इसको मिल रही है वो दोनों हीट यहाँ पे काउंट होंगी हीट गेन। ठीक है, okay. अभी देख लेते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 11.5। एग्जांपल नंबर 11.5 कहता है कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg ऑफ आइस। देखो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, बिल्कुल ऐसा कैसा ही क्वेश्चन है, क्लियर? तो क्वेश्चन को करते हैं फटाफट, मास ऑफ आइस लिख लो, मास ऑफ आइस, कंसेप्ट यहां भी वही यूज होगा, मास ऑफ आइस है 3 kg। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस अलग होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस ये है आपकी 2100 जूल पर केजी और पर केल्विन। ठीक है, यस सर, ओके। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अभी ये है आपकी 4186, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ SW, तो ये है आपका 4186 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, अब लेटेंट हीट ऑफ आइस भी दे रखा है इसमें, फ्यूजन ऑफ आइस दिया हुआ है नीचे, yes, तो LF आइस भी लिख लेते हैं, LF ऑफ आइस ये दिया है उसने 3.35 × 10⁵ जूल केजी इनवर्स। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम भी दे रखा है, एल स्टीम दे रखा है उसने 2.256 × 10⁵ जूल पर केजी। ठीक है, ये सारी चीजें उसने दी है। अब वो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg ऑफ आइस एट, आइस का टेम्परेचर दिया उसने −12°C, आइस कितना है 3 kg है, कैप्ड इन ए कैलोरीमीटर टू स्टीम, इसको हमें कन्वर्ट करना है स्टीम के अंदर। तो यहाँ पे दो फेज चेंज होंगे, पहले सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट होगा। यस सर, 100°C उसका टेम्परेचर दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर इज 100°C, इनिशियल टेम्परेचर इज −12°C एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी कि प्रेशर कॉन्स्टेंट है। गिवन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है हमने यहाँ पे, जो जो चीजें गिवन है वो सब हमने यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कि 3 kg ऑफ आइस को −12°C से 100°C में जाने में कितने हीट की जरूरत पड़ेगी, है ना? यस सर, सो सबसे पहले हम हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg ऑफ
ice at माइनस 12 डिग्री सेंटीग्रेड टू स्टीम, इसको स्टीम में कन्वर्ट करना है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे भाई? हीट रिक्वायर्ड आ जाएगी एम एस ऑफ आइस डेल्टा टी। यस सर, एम एस डेल्टा टी इससे निकाल लेंगे। एम कितना है भाई? 3 केजी है। Yes, S कितना है? 2100। यस सर। और डेल्टा टी कितना है? माइनस 12 से लेके और माइनस, सॉरी पहले इसको हम मेल्टिंग मेल्ट करते हैं, पहले माइनस 12 टू स्टीम में सीधा नहीं लेके जाते, ठीक है? पहले हम निकाल लेते हैं हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस एट माइनस 12 डिग्री सेंटीग्रेड टू जीरो। हाँ, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि पहले उसका फेज मेल्टिंग वाला फेज आएगा, ठीक है? यस सर। तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे टू आइस ठीक है, माइनस 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके उस आइस को हम कहां तक लेके जाएंगे? जीरो डिग्री सेंटीग्रेड तक। यस सर। तो उसका हीट कितना होगा? हीट रिक्वायर्ड एम एस और डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना आएगा भाई? 12 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों का डिफरेंस जीरो से 12 का डिफरेंस, दैट इज 12 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कैलकुलेशन करके आ जाएगा 7560 जूल। यस सर। ठीक है, अब इसको जीरो से लेके हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस, अब इसको मेल्ट करना पड़ेगा हमें। यस सर। हीट इसको लेट अस से हम Q1 मान लेते हैं, इसको हमने Q1 मान लिया पहली बार। अब हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड टू वाटर, अब फेस चेंज हो गया उसका एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड। देखो हम ये माइनस 12 से लेके सीधा 100 क्यों नहीं लिया हमने टेम्परेचर, क्योंकि बीच बीच में स्टेट भी चेंज हुए हैं। यस सर। लेटेंट हीट भी रहती है उसके बीच में, स्टेट चेंज जब होती है तो लेटेंट हीट भी कंसिडर की जाती है। यस सर। इसीलिए हमने सीधा माइनस 12 से 100 नहीं लिखा, वो कैलकुलेशन जो है गड़बड़ हो जाती है बीच बीच में, क्योंकि लेटेंट हीट भी कहीं नहीं आ रही। अब ओके, अब यहाँ पे जीरो डिग्री सेंटीग्रेड आइस था, अब हमने फेस चेंज कर दिया उसका, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड आइस से वो कन्वर्ट हो जाता है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर में, ठीक है? तो यहाँ पे लेटेंट हीट काम आएगी। यस सर। देखो थोड़ा सा इसको ग्राफ को देख लेते हैं, ग्राफ को देखोगे तो चीजें बहुत आसान लगेंगी। यहाँ पे इस तरह का ग्राफ था हमारा, ये जीरो डिग्री सेंटीग्रेड था, है ना? यहाँ पे सॉलिड स्टेट में था, अब ये टेम्परेचर है तुम्हारा और ये हीट है। अब क्या हुआ, इसका हीट दिया हीट दिया, बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। ओके? यस सर। तो ये स्टेट है इसकी सॉलिड स्टेट, अब ये स्टेट हो जाएगी इसकी, यहाँ पे ये फेस फेस चेंज हो रहा है इसका, ठीक है? अब इसका और हीट दिया आपने तो फेस चेंज हुआ, तो ये बन जाएगा लिक्विड। लिक्विड और ये कहाँ होगा? ये होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर फेस चेंज हो जाएगा, फिर हीट दोगे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे फिर ये हो जाएगा वेपर स्टेट, ठीक है? यस सर। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, तो अभी क्या होगा, अभी इस स्टेट के लिए भी इसको यहां से जीरो डिग्री सेंटीग्रेड से जीरो डिग्री सेंटीग्रेड, अब इस जीरो डिग्री सेंटीग्रेड में ये क्या है? सॉलिड है, और इस जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या है? ए ए पॉइंट पे वो सॉलिड है, बी पॉइंट पे वो लिक्विड है, सी पॉइंट पे लिक्विड है, बट डी पॉइंट पे गैस है, ठीक है? तो यहां से यहां तक जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए इसको, ए से बी तक जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या होगी? एम ऑफ एल आइस, एम ऑफ एल आइस लेटेंट हीट होगी। यस सर। तो 3 केजी था आपके पास आइस, और लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना है?
दिया हुआ है इसने 3.35 × 10⁵, 3.35 × 10⁵, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1005000 जूल। क्लियर है? Yes, ये स्टेट यहां से बी से सी तक जाएगा, तो बी से सी तक जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए उसको, वो फाइंड कर लेंगे। तो लेट अस से ये जो हमने अभी फाइंड किया है ये कितना है, ये Q2 है। अब Q3 फाइंड करेंगे। Q3 क्या होगा, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर एट 0°C टू वाटर एट 100°C। तो हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, दो चीजें हैं बस यहाँ पे, एक जगह स्पेसिफिक हीट काम में आएगी, एक जगह लेटेंट हीट काम में आएगी, है ना? यस सर। तो आपको समझना है वो, जब फेज चेंज होता है तो लेटेंट हीट काम आती है, और जब सेम फेज में रहता है टेम्परेचर राइज होता है तो वहां पे स्पेसिफिक हीट काम आती है। यस सर। वाटर एट 0°C, ये ग्राफ समझ में आ गया तो सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, सारे न्यूमेरिकल्स आप आराम से कर जाओगे हीट ट्रांसफर वाले। तो अब वाटर का टेम्परेचर हमें राइज करना है 0° से 100°C, तो उसके लिए कितना एनर्जी चाहिए, एम एस डेल्टा टी। यस सर। एम एस डेल्टा टी वैल्यू रख दो, एम कितना है भाई, 3 kg है वाटर, 3 kg, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4186 और टेम्परेचर डिफरेंस इज 100°C। तो आंसर आ गया आपका टोटल 12555800 जूल। क्लियर? यस सर। अभी ये क्या हुआ आपका, जीरो से लेके आप सी तक पहुंचे हो, अभी सी से डी तक भी जाना है ना? यस सर। तो अभी हम निकाल, उसमें लेटेंट हीट आएगी? यस सर। सी से डी तक के लिए हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर एट 100°C टू स्टीम। अब ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम का टेम्परेचर भी कितना होगा, 100°C। यस सर। तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम एम ऑफ एल स्टीम से, है ना, लेटेंट हीट होगी ये, तो एम कितना है, 3 kg है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दिया है उसने 2.256 × 10⁶, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 6768 जूल। ओके। यस सर। टोटल टोटल क्यू कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर दो। यस सर। तो ये हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3, ये हमें फाइंड करना है कि टोटल कितनी हीट चाहिए उसको 0°−12°C आइस से लेके और 100°C की वेपर बनाने के लिए। तो ये सब ऐड कर दो, ये है आपका पहला है 7560+1005800+6768000, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी 9.1 × 10⁶ जूल। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजीली हो गया, आराम से हो गया क्वेश्चन। यस। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ये ग्राफ समझ में आना चाहिए बस अच्छे से, ग्राफ अगर समझ में आ रहा है तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो यहाँ पे लेटेंट हीट यूज होगी, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट, सेम फेज में रहेंगे स्पेसिफिक हीट यूज होगी, और फेज अगर चेंज होगा तो उस चेंजिंग फेज के दौरान लेटेंट हीट कंज्यूम होती है। ओके। लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।